कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने अपने निवास स्थान गांव मिर्जापुर में लोगों की समस्याएं सुनी व संबंधित अधिकारियों को समस्याएं हल करने के निर्देश दिए। सांसद ने करनाल के कैमला गांव में मुख्यमंत्री की किसान महापंचायत को लेकर करवाए गए हंगामे पर बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस व इसके सहयोगी दलों ने हमेशा जनता को गुमराह करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कैमला गांव में जहां पर लगभग 7-8 हजार किसान इकट्ठे हो रहे थे, किसानों में जो भ्रम पैदा हो रहा था 3 कृषि कानूनों को लेकर के, उस विषय में किसानों से संवाद करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। परंतु कैमला में जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जो हुड़दंग मचाया है, जिस प्रकार का तांडव वहां पर किया है, इस लोकतंत्र के अंदर वो निंदा है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का इस लोकतंत्र में अधिकार है। निर्णायक कांग्रेस पार्टी नहीं है, इस लोकतंत्र के अंदर निर्णायक भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, इस लोकतंत्र के अंदर कोई और दल भी निर्णायक नहीं है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि व्यक्ति अपनी बात को जनता के बीच में लेकर के जाता है। अगर किसी को कोई फैसला सही नहीं लग रहा और उसको लेकर के जनता उसका निर्णय करती है। किसानों के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रखने के लिए वहां पर गए। जिस प्रकार से कांग्रेस ने, कांग्रेस के सहयोगी दलों ने और अन्य जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने जिस प्रकार से एकजुट बोल करके किसानों को गुमराह करने का काम किया है कि आपका एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपकी मंडी खत्म हो जाएगी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से अन्य दल कम्युनिस्ट पार्टी जो तांडव वहां पर किया है, मैंने कहा है कि इस लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपना बात कहने का अधिकार है। हर व्यक्ति जनता के बीच में जाकर के, क्योंकि किसान पंचायत थी, मैंने कहा भी है 7-8 हजार किसान वहां पर एकत्र था, 7-8 हजार किसानों के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन कृषि कानूनों को लेकर के जो भ्रम की स्थिति, जो झूठ कांग्रेस पार्टी ने बोला है, जो झूठ उनके सहयोगी दलों ने बोला है, उस भ्रम को दूर करने के लिए वो किसानों से वार्तालाप करने के लिए वहां पर गए थे। परंतु इस लोकतंत्र के अंदर निंदनीय है कि जिस प्रकार का तांडव वहां पर किया गया, जो पूरी दुनिया ने वो वहां पर देखा है, यह निंदनीय है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है वो सिर माथे है और उसको स्वीकार करना वो हम सब का दायित्व है, क्योंकि जो भी निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय को होगा वो स्वीकार है।